नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। खबर खैरतल तिजारा से है, जहां तिजारा को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा गया। इस ज्ञापन को पूर्व पार्षद विशंबर दयाल सैनी की अगुवाई में विधायक बालकनाथ और संजीव वर्मा ने प्रस्तुत किया। ज्ञापन में तिजारा को जिले का मुख्यालय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ज्ञापन के अनुसार तिजारा के पास पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है, जिससे नए कार्यकालों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। तिजारा धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तिजारा मेव समुदाय का अल्पसंख्यक क्षेत्र भी है और यह क्षेत्र सभी संस्कृतियों का संगम स्थल है। पूर्व पार्षद विशंबर दयाल सैनी ने बताया कि तिजारा उपखंड मुख्यालय है और यहाँ पर सभी विभागों के कार्यालय पहले से ही मौजूद है। यहाँ शिक्षा, कृषि, नर्सिंग और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान पहले से ही स्थापित है। न्यायालयों के निर्माण के लिए 4 बीघा भूमि आवंटित हो चुकी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। तिजारा बहुत प्राचीन स्थल है और तिजारा में जिला की मांग भी है। अलवर जिला जो पुराना था, वो जो है भिवाड़ी और अलवर के बीच में 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जो बहुत दूरी होती आती है। इसलिए अलवर को 2 भागों में जिला होना अनिवार्य है। इसलिए खैरतल और तिजारा के नाम से दूसरा जिला बनाया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं नज़र आ रहा है स्थल के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से। और तिजारा में क्योंकि पुराना कस्बा है और पुरानी रियासत रही है और यह नाजिम वगैरह पुराने अधिकारी रहे हैं, 6-6 यहाँ कोर्ट विद्यमान है और सभी विभागों के 26 विभाग यहाँ जो कार्यरत हैं, जिसके कि 53 अधिकारी यहाँ बैठते हैं। और रोडवेज डिपो हेडक्वार्टर है, कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई वगैरह, एजुकेशन की सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ से मुख्य बात यह है कि सारा अधिकतम दूरी अगर हम जिले से रेडियस भी खींचें प्रकार से, तो 35 किलोमीटर से दूरी इस मुख्यालय से कहीं भी नहीं हो पाती है, चाहे मुंडावर हो चाहे भिवाड़ी हो। जो अधिकतम दूरी के जो स्थान है वो 35 किलोमीटर है अधिकतम। हमने जो है MLA तिजारा के से जन सुनवाई के में भी जो है ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला मुख्यालय के लिए, और उपखंड अधिकारी के नाम से भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।